बुद्धि लब्धि की स्केल टर्मन की आईक्यू स्केल बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको पूरी स्केल लिखी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, अक्सर स्टूडेंट हिंदी में याद रखते हैं, जबकि मैं आपसे करूँ हिंदी में आपसे गलती करवाई जा सकती है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, बट अगर आपको कॉन्फिडेंटल कभी गलत नहीं करना है तो ज़्यादा बेटर होगा इंग्लिश में याद रखो। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखना है, ओके? तो हम क्या करते हैं, इस पूरी जो टर्मन की बुद्धि स्केल है मैंने यहाँ पर बनाई है, मैंने कहा इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक सबसे पहले एवरेज से ऊपर और फिर आपसे नीचे। तो सबसे पहले एवरेज की बात करें तो 90 से 109 बोलो क्या होती है, औसत बुद्धि एवरेज एवरेज आईक्यू होती है। 110 से अगर 119 सोचे तो सुपीरियर यानी प्रखर बुद्धि होती है। 120 से 139 की बात करें तो अति प्रखर वेरी सुपीरियर हो गई। 140 या उससे अधिक प्रतिभाशाली यानी जीनियस वाला हो गया, यानी ये मेरा पहला सेगमेंट हो गया। अब ये जनरली सबको याद रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है ये जो सेकंड सेगमेंट में बनाने जा रहा हूँ वो वाला 80 से 89 70 से 79। 80 से 89 टर्मन की बुद्धि स्केल में मंद बुद्धि बोला है और 70 से 79 क्षीण बुद्धि बोला है, जिसको डल और फीमेल बोलते हैं। अब ये मंद बुद्धि क्षीण बुद्धि ये शब्द ऐसे हैं जो आपको अक्सर एग्जाम में गलत करा देते हैं। तो आपसे मैंने कहा ये जो इंग्लिश वाले हैं वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अगर आपसे पूछा 80 से 89 बुद्धि स्केल में कहा बोलो क्या कहा जाता है उसको, तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी दी होगी, तो आपको पक्का होना चाहिए कि 80 से 89 पूछा है, तो डल आपका आंसर राइट हो जाएगा। हिंदी में आप समय को अगर कोई भी नाम दे दे और तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इधर ध्यान दो कैसे याद रखोगे। मैंने कहा अक्सर स्टूडेंट्स आपसे मैं करूँ मास्टर डिग्री, जैसे मेरे पास साइंस वाले आते हैं तो वो क्या करते हैं MSc करते हैं, क्या करते हैं MSc। तो मैंने कहा MSc के अंदर पहले आ रहा M फिर आ रहा S, मतलब पहले आपसे मैं करूँ कि मंद और फिर क्या है क्षीण, एक तो ये तरीका हो गया। फिर मैंने कहा कि इंग्लिश में कैसे ध्यान रखेंगे, जब मेरे पास MSc बोलो करके स्टूडेंट आते हैं और जब 4-5 महीने पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमने सब कुछ आपसे सीखा, MSc में तो हमने जब कर ली फिर भी हम डफर ही थे। यानी MSc में क्या थे बोलो, हम तो डफर ही थे। क्या थे बोलो, डफर। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 80 से 89 वाला पहले डल होगा और फिर 70 से 79 वाला फीमेल होगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में फंडा बता दिया, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप किस में ध्यान रखें, इंग्लिश में। तो अब आ जाते हैं तीसरे सेक्शन के अंदर। बोलो आप सभी को 0 से 25, 25 से 50 और 50 से 69 उसको कैसे याद रखेंगे। तो मैंने कहा माँ मूर्ख जड़ बुद्धि मूर्ख बुद्धि इडियट इमीबेसाइल महरून, इसमें भी इंग्लिश वाले वर्ड ज़्यादा ध्यान रखने हैं। अब मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि बोलो आपसे मैं करूँ हमारे राजस्थान के अंदर IIM का नाम सुना होगा, जो शुरुआत ही उसकी राजस्थान में उदयपुर से हुई है और उदयपुर में 0 से शुरुआत हुई, इसका मतलब पहले IIM नहीं था। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर बोलो आपसे मैं करूँ IIM, ट्रिक बता रहा हूँ IIM, क्लियर? तो IIM ऐसे नहीं, ऐसे होगा क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई है बोलो, 0 से हुई है, क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब पहला आई का मतलब इडियट है, दूसरा आई का मतलब इमीबेसाइल है और तीसरा एम का मतलब मरून है। यानी 0 से 25 वाला जो IQ वाला होता है उसको आइडियट कहते हैं, महामूर्ख कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि यार हम तो हंसी मजाक में किसी को भी इडियट कह देते हैं, वो तो अच्छा है कि वो साइकोलॉजी को नहीं जानता है, अगर वास्तव में साइकोलॉजी जानना हुआ तो वो एक चाटा लगा देगा। क्योंकि इडियट महामूर्ख उनको कहा जाता है जिनका IQ इतना कम होता है कि उनको कुछ भी समझा तो समझ में नहीं आता है। जैसे वो अगर रोड के बीच चल रहे हैं, आप कहोगे कि भाई साइड में चल, एक्सीडेंट कोई टक्कर मार देगा, फिर भी रोड के बीच में चलेंगे। कई बोलो आपसे मेरे को आगे, आप बोलोगे हाथ मत डाल, हाथ जल जाएगा, तो भी हाथ डाल रहे हैं। इतना कम IQ वाले को कहा जाता है इडियट महामूर्ख, क्लियर? और आप छोटी मोटी गलती में भी किसी को इडियट बोल देते हो, जो कि गलत है, ध्यान रखना। बोलो इडियट इसको कहा जाता है। उसके बाद 25 से 50 वाला इमीबेसाइल और मोरून, मेरे कहने का मतलब है मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसकी ट्रिक बताइए IIM,
इसकी बताइए एमएससी में डफर, और ये अपने आप याद रहता है। अब आप इमेजिन करो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसा आया जिसके अंदर आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया और आईक्यू बोलो आपसे मेरे को आपका आंसर 85 आया, क्लियर, और उसने आपको आईक्यू पूछा ही नहीं, उसने पूछा बुद्धि स्केल में ये किस रेंज में आएगा या क्या कहलाएगा, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा काम आता है। जब ऑप्शन में डल भी होता है, फीमेल भी होता है, मरून भी होता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या टिक करना है। मेरी बात समझ में आए, इंडिविजुअल पूछ ले कि सीण बुद्धि टर्मन की बुद्धि स्केल में किस रेंज में आती है, तो आपको ऑप्शन में 70-79 भी होगा, 80-89 भी होगा, तो उस समय अगर आपको अच्छे से याद नहीं होगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मैंने आपको क्या बताया, बुद्धि स्केल को याद करने के लिए पूरा याद नहीं करके तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उससे क्या होता है कि अगर एग्जाम के अंदर आपका सपोजिट आया ही 65 है तो आप इस तीसरे सेगमेंट में ही सोचोगे क्या टिक करना है। बात समझ में आई, तो ये वाला आपको सेगमेंट याद रहता है। इसका मैंने बता दिया एमएससी में डफर, और इसमें आईआईएम बता दिया, और आईआईएम की शुरुआत जीरो से हुई है, यानी पहले आई फिर एम, ऐसे चलेगा, क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यदि एक आपसे मैं कह रहा हूँ 8 वर्ष, ठीक, एक बोलो 10 वर्ष, ठीक है, का बालक, मैंने कहा बालक बोलो 8 वर्ष के बालक के ही आपसे मेरे को प्रश्नों के आंसर दे पाता है, ठीक है, दे पाता है, तो बोलो टर्मन की बोलो आईक्यू स्केल, ठीक है, में वह होगा, क्लियर, बोलो होगा। पहला ऑप्शन है आपको एक देर का क्षीण, बोलो आपसे मैं कहूँ क्षीण बुद्धि, ठीक है, यानी आपसे मैं कह रहा हूँ फीमेल, एक देर का आपको सपोजेड महामूर्ख, ठीक है, महामूर्ख मतलब आपको इडियट दे रखा है, ओके, एक देर का आपको मंद बुद्धि, आपसे मेरे को मंद बुद्धि मतलब डल दे रखा है, और एक आपको सपोजेड मैंने कहा बोलो यहाँ पर, ठीक है, आपको दे रखा है मूर्ख बुद्धि यानी मोरून दे रखा है, क्लियर। तो आपसे मैंने कहा ये सब एक जैसे ही लगते हैं अपने को, माँ मूर्ख, मूर्ख, मंद, सिंह, इंग्लिश में हमेशा ध्यान रखो। अपन पहला काम क्या करेंगे कि आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। तो मैंने कहा आपको बोलो मेंटल एज कितनी है, बोलो उसकी 8 वर्ष, क्रोनोलॉजिकल 10 वर्ष, इसको करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 80। अब ये तो आंसर पूछा ही नहीं है, अपने को क्या याद होना चाहिए, टर्मन के अंदर 80 किस में आएगा, तो 80 से 89, बोलो मैंने कहा डल, यानी बोलो आंसर मंद बुद्धि आपसे मेरे को हो जाएगा। आई होप मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि सेकेंडों में आंसर देने के लिए पहले आपके माइंड में क्लियर लॉजिक होना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम देने ही जाओगे और आपके माइंड में पहले से ही कंफ्यूजिंग है तो वहां तो आप कंफ्यूज हो गए ही होगे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जिस पार्ट में आपको लगता है कि हम स्टडी कर रहे हैं तभी हम कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं, तो उसमें वर्क करना जरूरी है। वो वर्क मैं करवा रहा हूँ आपको, अगर ये तरीके ध्यान रखोगे तो हमेशा राइट होगा। कैसा लगा लेक्चर बताना जरूर मुझे कमेंट्स द्वारा, और आपसे मैं को इसी तरह से पढ़ते रहो और मस्त रहो, बेस्ट ऑफ लक।